नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्रांड इन्वेस्टिगेशन चैनल पर। दोस्तों, ब्रांड इन्वेस्टिगेशन आपके लिए ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया है और ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि इस वीडियो का सारा कंटेंट ऑनलाइन रिव्यूज और एक्सपीरियंस द्वारा निकाला गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि बेस्ट टीवी स्टेबलाइजर ब्रांड कौन सा है, कौन सा ब्रांड आपके लिए सही रहेगा, कैसे आप उसे चूज कर सकते हैं और कहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं आपका ये बेस्ट डिसीजन बनाने में। तो दोस्तों, जो ब्रांड्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपको सीधा सीधा इग्नोर करने, अवॉइड करने, क्यों मैं आपको रीजन बता देता हूं। बात करें अगर कॉनगियर ब्रांड की, तो उसमें आपको नॉइस प्रोडक्शन मिल सकता है। दोस्तों, कैपरी की अगर मैं बात करूँ, तो कैपरी ब्रांड में आपको ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी। बात करूँ की लाइन की, तो उसमें खराब प्रोडक्ट क्वालिटी है। मॉनिटर ब्रांड की अगर बात करूँ, तो उसमें खराब प्रोडक्ट क्वालिटी है। क्वालेक्स प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आपको ऑन ऑफ स्विच में प्रॉब्लम मिल सकता है। माइक्रोटेक की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें आपको अनस्टेबल पावर मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो ब्रांड जो आपको अवॉइड करने हैं। दोस्तों, बेस्ट टीवी स्टेबलाइजर की बात करूँ, तो सबसे पहले है नेक्स्ट्रॉन, दूसरा है वीगार्ड, तीसरा है एवरेस्ट और चौथा है ब्लू चिप टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बात करें वर्किंग रेंज की, तो सभी ब्रांड्स में आपको 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक मिल जाएगी वर्किंग रेंज, लेकिन ब्लू चिप टेक्नोलॉजी में आपको 120 से 290 मिलेगी। दोस्तों, टीवी रेंज की अगर मैं बात करूं, तो सभी ब्रांड्स में आपको 55 इंच तक मिल जाएगी टीवी रेंज, लेकिन एवरेस्ट में आपको 72 इंच की टीवी रेंज मिलेगी। बात करें अगर वोल्टेज कट ऑफ की, तो नेक्स्ट्रॉन में है लो हाई वोल्टेज कट ऑफ, वी गार्ड में हाई वोल्टेज कट ऑफ है, एवरेस्ट में है लो हाई वोल्टेज कट ऑफ और ब्लू चिप टेक्नोलॉजी में है हाई वोल्टेज कट ऑफ। कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट्रॉन में है 3 एम्पीयर्स की कैपेसिटी, वी गार्ड में है 2.25 एम्पीयर्स, एवरेस्ट में है 2.5 एम्पीयर्स और ब्लू चिप टेक्नोलॉजी में है सबसे कम 2 एम्पीयर्स की कैपेसिटी। बात करते सर्विस क्वालिटी की दोस्तों, तो नेक्स्ट्रॉन की सर्विस क्वालिटी ठीक है यानी गुड, वी गार्ड की बहुत अच्छी है एक्सीलेंट, एवरेस्ट की उतनी अच्छी नहीं है यानी एवरेज और ब्लू चिप टेक्नोलॉजी की ठीक है यानी गुड। बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट्रॉन की बिल्ड क्वालिटी ठीक है यानी गुड, वी गार्ड की बहुत अच्छी है यानी एक्सीलेंट, एवरेस्ट और ब्लू चिप टेक्नोलॉजी दोनों की ठीक है बिल्ड क्वालिटी यानी गुड। बात करते वारंटी की दोस्तों, तो नेक्स्ट्रॉन में आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, वी गार्ड में 3 साल की वारंटी मिल जाएगी, एवरेस्ट में 4 साल की वारंटी मिलेगी और ब्लू चिप में 3 साल की वारंटी मिलेगी। बात करें कुछ कॉमन चीज़ों की, तो सभी यूज़ हो सकते हैं टीवी और लैपटॉप के साथ, सभी में है ABS प्लास्टिक बॉडी मटेरियल, सारे ही ब्रांड्स इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और सभी में है ओवरलोड प्रोटेक्शन, सारे के सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं। चलिए दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स की हम कस्टमर रेटिंग्स देखते हैं। तो बेस्ट टीवी स्टेबलाइजर की बात करें, तो नेक्स्ट्रॉन में है 4 स्टार रेटिंग, वी गार्ड में है 4.5 स्टार रेटिंग, एवरेस्ट ब्रांड को है 4 स्टार रेटिंग और ब्लू चिप टेक्नोलॉजी को है 4 स्टार रेटिंग। दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा जानकारी के लिए और इनके एग्जैक्ट प्राइजेस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।